बागेश्वर में डेंगू के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन इसके प्रभावी रोकथाम के लिए लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। जिले में अभी तक 20 मरीज डेंगू से प्रभावित हुए हैं। मौसम में बदलाव के कारण बुखार, जुकाम, पेट संबंधी परेशानियां बढ़ने से जिला अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिला अस्पताल के जनरल वार्ड में सभी बेड फुल हो गए हैं। बाकी मरीजों को इमरजेंसी और गंभीर मरीजों के लिए बनाए गए वार्ड में शिफ्ट करना पड़ा। जिला अस्पताल के डेंगू वार्ड में बीती रात 12 मरीज भर्ती किए गए, जिसमें से 3 मरीजों को आज सुबह डिस्चार्ज किया गया है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में बने डेंगू वार्ड को भी खोल दिया गया है। जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर चंद्र मोहन ने बताया कि कई लोगों में डेंगू के लक्षण पाए गए हैं, जिनका उपचार शुरू कर दिया गया है। जिनकी हालत गंभीर है उनको भर्ती किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डेंगू के लक्षण वाले मरीज 4 से 10 दिन में ठीक हो जाते हैं। मच्छरदानी का यूज करना है, प्लास्टिक के कपड़े पहनने हैं। डेंगू के लक्षण में बहुत ही बुखार आता है, सर में दर्द होता है और आंखों के पीछे की तरफ से दर्द लगता है। ऐसा कुछ भी हो रहा है तो यहाँ पे हॉस्पिटल में आकर हमसे मिले, और जो पेशेंट हमारे पास एडमिट हैं सारे पेशेंट अभी तक तो स्टेबल हैं। और अगर किसी को ब्लैक टेस्ट की दिक्कत होती है या कुछ भी होता है हमें लगता है, तो हम उनको पहले ही लक्षण आएंगे तो हमें आगे भेजेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो ब्लड बैंक है यहाँ पे ब्लैक टेस्ट की सुविधा नहीं है। वहीं प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एसपी त्रिपाठी ने बताया कि जिले में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल में इलाज के लिए सभी जरूरी व्यवस्था की गई है। डेंगू के मरीजों की संख्या इधर वर्तमान में बढ़ गई है, और इसके प्रकाशन के तौर तहत हमने जो है ट्रामा सेंटर में भी 10 बेड का एक्स्ट्रा वार्ड बनाकर व्यवस्था कर रखी थी। हमारे हॉस्पिटल में बेड भर गए थे, तो इसलिए मैंने ट्रामा सेंटर में जो अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाया है वहाँ भी मरीजों को भर्ती करना शुरू कर दिया है। स्थिति सामान्य है। इस आज प्रेजेंट टाइम में केवल 7 मरीज हैं डेंगू के, बाकी डिस्चार्ज हो गए हैं। तो इस प्रकार के कोई गंभीर लक्षण अभी किसी भी मरीज में नहीं आए हैं।